एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको पलाजो बना के दिखाएंगे 1.5 मीटर कपड़े में। सच बोल रही हूँ, 1.5 मीटर कपड़े में बना है ये। और काटने का तरीका गाइस थोड़ा सा अलग है और बहुत आसानी से बन गया। ये हमने फोर्थ फोल्ड कर दिया है कपड़े को, पहले डबल करा एंड फिर फोर्थ फोल्ड कर दिया। इतना तो सभी को पता होगा। ये हम 16 इंच पर मार्क कर रहे हैं। ये आसन की पहले से ही कपड़ा कम है तो हमें बहुत कम ही कपड़ा निकालना है। आसन के पास हम इतना कर रहे हैं और कमर के पास हमने 12 इंच कट कराया है। एंड अब हम यहाँ से ज़्यादा हमें कट नहीं करना है, बस हम जस्ट आसन ही निकालेंगे और हमें कुछ भी यहाँ से नहीं कट करना क्योंकि कपड़ा ऑलरेडी बहुत कम है और पलाजो के लिए कपड़ा चाहिए होता है। हमारा ये कुर्ती का बचा हुआ था तो हमने सोचा इसका पलाजो ही बना दें। तो देखिए, हम यहाँ पर कट कर चुके हैं एंड ये 4 पार्ट में हो गया है। 4 पार्ट से अब हमको इसमें आसन मिलाकर सिलाई लगानी होगी। एंड आप देख सकते हो वीडियो में, यहाँ से हम पकड़ेंगे एंड इधर हम दोनों पकड़ के सिलाई लगा देंगे। आगे का एंड पीछे का पार्ट दोनों पकड़ के हम सिल लेंगे क्योंकि 4 कपड़ा होता है ना, तो दो दो पकड़ के यहाँ से आसन ऐसे यहाँ से सिलाई लगा देनी है। चलिए, सिलाई लगाने के बाद मिलते हैं। ये भी हम लगा देंगे, ये भी दिखा देते हैं आपको। इधर से यहाँ तक हमें सिलाई लगाना है एंड चलिए सिलाई लगा के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, लग गया है, दोनों पार्ट हमने सिलाई लगा ली है। और बहुत ही इजी तरीका है गाइस, ये ना एकदम सिंपल वे में मैंने बनाया है। ये हमारा पलाजो थोड़ा सा छोटा था तो आप ऊपर से भी फोल्ड कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे पट्टी कट कर लो अगर कपड़ा हो तो। ये कपड़ा यहाँ से कट करके हमें ऊपर जॉइन करना है एंड इसी में आपको नारा डालना हो या फिर रबर लगाना हो, जो भी आपको जो आपके अवेलेबल हो आपके पास वही आप लगा दो। हमें इसे फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। यहाँ से पहले हम दोनों जॉइन करेंगे क्योंकि 2 पट्टियाँ हैं ना, तो इसको हम पहले जॉइन कर लेंगे एंड जॉइन करने के बाद हम इसमें लगा देंगे। अभी नहीं लगाएंगे गाइस, पहले हम साइड साइड में सिलाई लगा देंगे यहाँ से जो खुला पार्ट है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बस आपने आसन सिलना है एंड बीच में सिलना है, साइड साइड में सिलना है। लो, हमारा प्लाजो तैयार हो जाएगा एकदम। मैंने खुद बहुत जल्दी हमने बना लिया था तो हमने पहली बार ही ट्राई किया इस तरीके से, बिकॉज पहले तो हमने सिला है पलाजो बट वो घेर टाइप का काफ़ी ज़्यादा कपड़ा होता है तो हम उधर से सिलते हैं। लेकिन ये भी, ये देखिए, हमने सिलाई लगा दिया है। अब हमें पट्टी जॉइंट करनी है एंड साइड साइड में हमें लगा दिया है। अब हमको इस तरीके से पट्टी लगानी है, आप देख सकते हो वीडियो में। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो मैंने सिला था वो, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है क्योंकि कम कपड़े में बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही जल्द बन जाता है। इसमें कोई बहुत झंझट वाला काम नहीं रहता कि यहाँ टेढ़ा करके इतना कट करो उतना कट करो, सीधा सीधा कट करो, सीधा सीधा सिलो। थोड़े से कपड़े में एकदम कंफर्टेबल प्लाजो तैयार हो जाता है। मैंने भी पहली बार ऐसा ट्राई किया एंड ये देखिए, हमको ऊपर पट्टी इस तरीके से, ये सामने का साइड है एकदम आगे वाला, यहाँ से हमें अंदर की साइड करके इसको यहाँ से सिलाई लगा देनी है एंड बीच में हम इतना खुला कर देंगे क्योंकि अगर हमें नाड़ा डालना हुआ या फिर रबर डालना हुआ तो हम इसी होल की मदद से डाल देंगे। एंड इधर से हम पूरा का पूरा चारों तरफ सिलाई लगा के मिलते हैं। ये देखिए, हमने ऑफ कैमरा इसमें रबर भी डाल दिया बिकॉज कैमरा ऑन नहीं हो रहा था तो मैंने डाल दिया एंड शाम हो रही थी, लाइट चली जाती तो मैंने सोचा चलो। ये देखिए, हमने रबर डाल दिया है, रबर डालना सबको आता है एंड नीचे की साइड हमने फोल्ड करके सिल दिया एंड ये हमने पहन लिया फाइनल लुक हमारा। देखिए, अच्छी लग रही हूँ ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने रिलेटिव्स के साथ। चलिए, बाय बाय।